हम आपको 15 मिनट में देश और दुनिया की तमाम खबरें न्यूज 100 में दिखाते हैं। कश्मीर के हालात पर जनरल बिपिन रावत का बयान, कहा कश्मीर में युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। जनरल रावत ने कहा दक्षिण कश्मीर के कुछ इलाकों में दिक्कत है लेकिन जल्द हालात पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। पत्थरबाजों पर बोले बिपिन रावत, कहा बच्चों और महिलाओं को ढाल बनाया जाता है लेकिन भारतीय सेना मानवाधिकारों का सम्मान करती है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के विवादित बयान पर बोले जनरल बिपिन रावत, कहा हमें किसी की परवाह नहीं, सेना अपना काम जानती है। श्रीनगर के 8 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू, हुर्रियत के बंद को देखते हुए फैसला। पंपोर से अनंतनाग तक पूरा नेशनल हाईवे बंद, कल शहीद हुए पुलिसकर्मियों के इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद 6 पुलिस वालों को श्रद्धांजलि दी गई, राज्य के सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। पुलिस के जवानों से आतंकियों की बर्बरता पर गुस्से में देश, पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो परिवार के साथ पुलिस वाले भी रो पड़े। कश्मीर में पहली बार हुई पुलिस के जवानों से बर्बरता, अनंतनाग में शवों को क्षत विक्षत किया गया, हथियार लूट कर ले गए लश्कर के आतंकी। पुलिस पर अनंतनाग के इलाके में कल गश्त के दौरान हमला हुआ था, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, पूरे इलाके की घेराबंदी। कल गश्ती दल के 8 जवानों पर आतंकी हमला हुआ था, 2 जवान घायल थे। आज नौशेरा में सेना के शहीद जवान बख्तावर सिंह को राजौरी में श्रद्धांजलि दी जाएगी, पंजाब के होशियारपुर में अंतिम संस्कार होगा। शहीद बख्तावर सिंह के पिता ने कहा अब बदला लेने का वक्त आ गया है, पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई हो। बख्तावर सिंह की शहादत पर पत्नी को भी फख्र, कहा बच्चों को भी सेना में भेजूंगी। लश्कर ए तैयबा के कमांडर जुनैद मट्टू का शव बरामद, सुरक्षा बलों ने कल मार गिराया था, दक्षिण कश्मीर में हुआ था एनकाउंटर। जुनैद मट्टू पर 5 लाख का इनाम था, एनकाउंटर में जुनैद के साथ 2 और आतंकी आदिल और नासिर भी मारे गए। जुनैद मट्टू को बचाने की कोशिश में 2 पत्थरबाज भी मारे गए, ऑपरेशन के दौरान रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, सेना को गोली चलानी पड़ी। कुलभूषण जाधव केस में इंटरनेशनल कोर्ट ने भारत को 13 सितंबर तक जवाब देने का वक्त दिया, पाकिस्तान को 13 दिसंबर तक जवाब देना होगा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के मीडिया मैनेजर विक्रम राय गिरफ्तार, पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्रवाई के दौरान पकड़े गए। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा नेता विनय तमांग के घर पर छापेमारी, पुलिस घर में तोड़फोड़ भी करने का आरोप पुलिस पर लगा है। दार्जिलिंग में बंद का आज 6ठा दिन, हालात अभी भी काबू में नहीं, सीआरपीएफ की 6 कंपनियां तैनात की गई है। 19 जून को राष्ट्रपति उम्मीदवार पर चर्चा के लिए एनडीए की अहम बैठक, प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति चुनाव पर कांग्रेस ने कहा पहले बीजेपी अपने उम्मीदवार का नाम बताए, कल वेंकैया और राजनाथ सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के मुंबई दौरे का दूसरा दिन, दादर में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह कल उद्धव ठाकरे से मिलेंगे, जी न्यूज से बातचीत में कहा रूटीन मुलाकात है, दूसरे अर्थ न निकाले जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्ची पहुंचे, अब से कुछ देर में मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। ये मोदी कोच्ची में मेट्रो का सफर भी करेंगे, अलुवा से पलारीवोत्तम के बीच 13 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज से 2 दिन के महाराष्ट्र और कर्नाटक दौरे पर बेंगलुरु में मेट्रो की ग्रीन लाइन का उद्घाटन करेंगे। विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले में भारत ने ब्रिटेन को और दस्तावेज सौंपे, विदेश मंत्रालय के मुताबिक दस्तावेज सौंपने में देरी नहीं हुई। खाने पीने पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का बयान, कहा खाना मेरी निजी पसंद है, कोई दबाव नहीं डाल सकता। यूपी में बढ़ते अपराध के बीच डीजीपी सुल्खान सिंह का अजीब बयान, बोले क्राइम ना खत्म हो सकता है न ही रुक सकता है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन का यूपी के मंत्री मोहसिन रजा पर आरोप, कहा मंत्री ने फर्जी कब्र बनवाकर जमीन हड़पी। सीबीआई करेगी आईएएस अनुराग तिवारी की मौत की जांच, दिल्ली में हत्या की धाराओं में केस दर्ज, 17 मई को लखनऊ में संदिग्ध मौत हुई थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर कुमार विश्वास के विरोध में पोस्टर लगे, पोस्टर पर लिखा भाजपा का यार है कभी नहीं गद्दार है। पोस्टर पर आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे का आभार जताया गया है, दिलीप पांडे ने राजस्थान प्रभारी कुमार विश्वास के खिलाफ 2 दिन पहले ट्वीट किया था। दिलीप पांडे ने ट्वीट में लिखा था राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का नर्म रुख है। जेएनयू में फिर छात्र संघ की गुंडागर्दी, एकेडमिक काउंसिल की बैठक में हंगामा, वीसी और प्रोफेसर के साथ बदसलूकी के आरोप लगे। बैठक में 3.25 घंटे तक हंगामा हुआ, जेएनयू छात्र संघ के नेताओं ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला, जेएनयू प्रशासन को दोषी बताया। पंजाब सरकार जल्द किसानों का कर्ज माफ करेगी, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का ऐलान, कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू मानहानि के मुकदमे में फंस सकते हैं, घोटालों के आरोप पर बादल परिवार अदालत जा सकता है। आम आदमी पार्टी के नेता सुखपाल सिंह पंजाब विधानसभा के बजट सत्र से निलंबित, सदन की मर्यादा तोड़ी, हंगामे का वीडियो बना रहे थे।
पंजाब में शवों को घर पहुंचाना अस्पतालों का जिम्मा, स्वास्थ्य मंत्री का आदेश, मृतक के कफन का इंतजाम भी अस्पताल को ही करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रूस दौरा रद्द, मंदसौर फायरिंग की वजह से फैसला लिया, राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए जाना था विदेश। छत्तीसगढ़ में गृहमंत्री रामसेवक पैकरा के बेटे की शादी में डॉक्टरों की तैनाती पर सवाल उठे, बकायदा आदेश निकालकर ड्यूटी लगाई गई थी। मध्य प्रदेश के बैतूल में भी एक किसान ने खुदकुशी की, सुसाइड नोट में लिखा, कर्ज के बोझ से जीना मुश्किल हो गया था। उत्तराखंड सरकार अल्पसंख्यक छात्रों को सिविल सर्विस के लिए फ्री कोचिंग दिलाएगी, सीएम त्रिवेंद्र रावत का ऐलान। इंदौर में प्राइवेट स्कूल के स्विमिंग पूल में डूबकर 6 साल के बच्चे की मौत, जांच के आदेश दिए गए। झारखंड के चक्रधरपुर में बारिश के बाद बिजली गिरने से 17 लोग झुलसे, 1 की मौत, 4 की हालत गंभीर। हरियाणा के कैथल में सड़क पर उतरे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, नौकरी खत्म करने की चेतावनी का किया विरोध, मंत्री की चिट्ठी की कॉपियां भी जला दी। शिमला में भारी बारिश के साथ ओले भी गिरे, तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट।